नमस्कार, खासखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सैयद हबीब। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। देश भर में धूमधाम से मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व। मंदिरों में हुई आरती और पूजा, भक्तों की लगी रही कतारें। मंदिर परिसर बम बम भोले के जयकारों से गूंजा। राजस्थान में NIA ने 7 स्थानों पर की छापेमारी। PFI मामले में कोटा में 3, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी और जयपुर में एक एक जगह तलाशी। हरियाणा में 2 मुस्लिम युवकों की हत्या व जलाने के मामले में आरोपी रिंकू सैनी गिरफ्तार। परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। मध्य प्रदेश में भारतीय वायुसेना के विमान में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते, 3 हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। दिल्ली में निक्की यादव हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार आरोपी साहिल के पिता और भाइयों को कोर्ट ने 2 दिन पुलिस रिमांड पर भेजा। महाराष्ट्र में CM एकनाथ शिंदे गुट को मिला असली शिवसेना का चुनाव चिन्ह। उद्धव ठाकरे ने कहा, देश में लोकतंत्र की तानाशाही की शुरुआत। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल रमेश बैस ने ली पद की शपथ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दी शुभकामनाएं। नागपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने RSS के संस्थापक केशव बलिराम हेडगवार और लेखक MS गोलवरकर को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बताया, उन्हें CBI ने 19 फरवरी को अपने मुख्यालय में बुलाया है, कहा हम करेंगे जांच में सहयोग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, कांग्रेस जल्द फैसला ले, साथ मिलकर चुनाव लड़े तो भाजपा को मिलेगी 100 से कम सीटें। हैदराबाद पुलिस 7 करोड़ रुपए के सोने और हीरे के आभूषण लेकर फरार हुए ड्राइवर की कर रही है तलाश। बेंगलुरु में एक क्रिकेट टूर्नामेंट में मैच देखने आए लोगों के बीच विवाद, 2 युवकों की चाकू से गोद कर हत्या। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेन्नई में किया अनुसंधान और विकास केंद्र का उद्घाटन। तेलंगाना के निजामाबाद में पुलिस ने एक घर से की विस्फोटक सामग्री बरामद। BRS के एक विधायक की हत्या की साजिश रचने का था संदेह। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com को लॉग इन कीजिए।